हुई, अच्छा और कहीं नहीं चल रही। फितरत तुम लोगों की ना कभी नहीं बदलती है ना, धोखा देने वाली बिल्कुल भी। यही सब करना था तो पहले बोल देते, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर मेरे लोग कोई भी पसंद आए तुम बस एक बार बोल देना। हे गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ संजना से। संजना कैसे हो आप? अच्छी हूँ। अच्छे हो? अच्छे हो नहीं आप, बस ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो। कुछ होता है ना, दिल के दर्द होते हैं और सामने वाला बस एक स्माइल करके कोशिश करता है कि हाँ चलो दुनिया के आगे ना चीज़ें पता चले, लेकिन यार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखी है अभी लड़की ना। तो प्रॉब्लम क्या है अभी इनके मुँह से आपको खुद ही सुना देते हैं। संजना आप क्या फेस कर रहे हो वो बता दो, कैमरा मैंने सामने लगा रखा है तो आप पब्लिक को सब कुछ बता दो जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है और जो भी आप हेल्प लेना चाहते हो मुझसे, आपको क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ 2 साल से रिलेशन में हूँ, मैंने अपने घर पे मतलब शादी हुई की सब बातें कर रखी हैं एंड वो उसे पता है कि हम रिलेशन में हैं, वो स्टिल चीट कर रहा है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि उसका लॉयल्टी टेस्ट हो। तो मैंने इन्हें इंस्टा पे मैसेज किया है कि आप उससे एक बात करिए, तो मैं देखना चाहती हूँ कि लाइक वो मेरे अलावा बाहर कैसा है, बाकी लड़कियों के साथ वो कैसा है, तो बस मैं इतना जानना चाहती हूँ। इतना आपको उस पर डाउट है मतलब पहले कभी? फुल डाउट है मुझे, फुल डाउट है। और अभी आप मतलब आपने, मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूँ, तो इन्होंने मेरे को ना क्या किया था, अपने बॉयफ्रेंड का ना मेरे को नंबर शेयर किया था इंस्टाग्राम पे। तो क्या हुआ कि फिर मैंने इनको अपना नंबर भी दिया, इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड का नंबर दिया। अब क्या है कि उसका नाम क्या है बॉयफ्रेंड का आपके? सिद्धार्थ है। जो सिद्धार्थ को मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो कंटिन्यूसली तीन चार दिन हो गए मेरे को उससे कंटिन्यूसली बात करते करते, ठीक है। और 3-4 दिन से बंदा फ्लर्ट कर रहा है फुल, ठीक है। अभी क्या है कि किसी किसी का होता है लड़कों का फ्लर्टी नेचर होता है, लेकिन प्यार वो इससे करता है। आज हम यही देखना चाहते हैं कि प्यार इससे सच में करता है या फिर वो मतलब उसको कोई भी लड़की चलेगी हर किसी के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आज हम लाइव लॉयल्टी टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे। क्या लगता है आपको क्या होगा? Hoping for the best. देखते हैं यार क्या होता है, क्योंकि यार अभी बहुत घर पे शादीवादी की बातें भी कर रखी है, हर जगह पे शादीवादी की बात चल रही है। और अब देखते हैं लड़का चीट करता है या फिर पलट जाता है, चीज़ों से कुछ नहीं कह सकते। तो गाइस एक काम करते हैं, फ़ोन लगाओ सिद्धार्थ को, है ना, मेरे पास तो उसका नंबर है। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि सिद्धार्थ और मैं आज मिलने वाले थे, क्योंकि 3 दिन से हमारी लगातार बात हो रही है, तो मैंने खुद बोला सीरियसली उसको मिलने के लिए, तो बंदा मान गया। उसने बोला कि हाँ मिलना चाहता हूँ। अब मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि वो इसको हाँ करता है मिलने के लिए या नहीं, या एक ही दिन में दो लड़कियों से मिलेगा, ये भी हमें नहीं पता। तो एक काम करो सिद्धार्थ को फ़ोन लगाओ और स्पीकर पर फ़ोन कर देना, क्योंकि पब्लिक सुन रही है सामने। हेलो सिद्धार्थ, कहाँ हो तुम? आज हमें मिलना था ना। मैं तो कहीं बाहर आया होता। अरे पर आज तो हमने मिलने का तय किया था ना, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। मुझे कुछ काम पड़ गया था। तो नहीं आओगे फिर अभी मिलने? नहीं आओगे तुम? अभी तो आज तो मुश्किल है मेरा। पर तुमने तो आज क्या प्रॉमिस किया था, ये तो गलत है ना। एक्चुअली पापा का काम पड़ गया इसलिए जाना पड़ गया। तुम हर बार ऐसा करते हो यार, जब भी मैं मिलने के लिए बोलती हूँ तुम हमेशा ऐसा करते हो। यार आगे से पक्का नहीं होगा ऐसा, पक्का कल तुमने लास्ट टाइम भी यही बोला था। सॉरी यार अब नहीं करूँगा, कल पक्का होगा, आज कुछ काम था मुझे। चलो फोन काट दिया। देखा ये हर बार ऐसा करता है। शिट यार, मतलब अभी क्योंकि पता क्यों उसने फ़ोन काट दिया, क्योंकि यार आज उसने मेरे से मिलने का प्लान किया है, उसका ये है कि आज वो मुझसे मिलेगा, और इसलिए उसने अपनी 2 साल के रिलेशन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बार तुम उसको कॉल लगाओ। नंबर ये वाला है ना उसका, एक बार कन्फर्म कराना, ये है 931 931। तो अब एक काम करते हैं, अब मैं फोन लगाती हूँ, देखते क्या बोलता। हाय सिद्धार्थ कैसे हो? जी मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया, इतना खुशी मिलने की। और क्या कह रहे हैं, बड़े दिनों बाद तो मुलाकात होगी। हाँ बात तो चार बड़े दिन तो नहीं हुए, 3 दिन ही हुए बात करते हुए, तो बस हाँ जो भी है पर इंतजार ही नहीं हो रहा, क्या करें। तो फिर टाइमिंग वैसे भी हो गई है, अभी 2:30 बज रहे हैं, 3 बजे का हमारा है ना मिलने का। हाँ, मुझे बिल्कुल याद है, कैसी बात करती। लोकेशन मैंने आपको भेज रखी है ना? हाँ मैं भेज रखी है, मैं बिल्कुल टाइम पे पहुँच जाऊंगा, दिक्कत मत लो। चलो ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी आ जाओ यार, मुझसे भी ना वेट नहीं हो रहा मिलने का। बस 2 मिनट अभी आ गया। ठीक है, ओके। I'm so sorry, सब चीज़ें आपके सामने ही है, आप ये मत समझना कि ये मतलब मेरे को उससे कोई मतलब है, लेकिन आपका ही प्लान था कि ये चीज़ें कराने का, और मैं उसको आज लाइव पकड़ने वाले हैं, हम लोग लाइव एक्सपोज करने वाले हैं, तो आप बने रहो।
अब टेंशन मत लो कि आप ठीक है, उसने झूठ बोला यार, झूठ नहीं बोलना चाहिए रिलेशनशिप में, लेकिन क्या पता उसकी इंटेंशन मेरे को लेके वो ना हो जो आप सोच रहे हो, है ना। मतलब जज नहीं करना चाहिए पहले ना, अभी देखते हैं। अगर वो एक जगह लॉयल होता तो आपसे इस तरह से बात नहीं करता, वो क्लियरली बोल सकता था कि नहीं मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, आपसे इस तरह से बात नहीं करता वो। ये तो है, अगर मतलब लड़कों का मैंने देखा है कि अगर वो रिलेशनशिप में है ना तो अभी लड़की को यही बताते हैं कि हाँ अभी रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ है, अभी मेरा खत्म हुआ है, तो मेरे को भी उससे ये सारी चीज़ें ही बोली थी कि अभी खत्म हुआ है, वेट करते हैं बाकी आगे पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं, तो बने रहो आप। सो गाइज अभी तक बंदा आया नहीं है और 3:10 हो गई है यहाँ पे, है ना, हाफ एन आवर ज्यादा हो चुका है और हम लोग कब से वेट कर रहे हैं। और लोकेशन वैसे मैंने उसको शेयर कर रखी है, मैं एक बार देख लेती हूँ लाइव लोकेशन पे कि कितने, 3 मिनट दिखा रहा है यार यहाँ से तो सिर्फ। तो संजना आप एक काम करो, 3 मिनट में वो पहुँचने वाला है, तो आप एक काम करो, वहाँ सामने ना वॉशरूम है, वहाँ तो या तो वहाँ चले जाओ या फिर पेड़ के पीछे छुप जाओ ताकि आप चीज़ें देख भी पाओ क्या चल रही है क्या नहीं चल रही, क्योंकि क्या करता है मेरे पीछे से। वही मैं इसलिए कह रही हूँ कि सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और जज मत करो यार अभी, ठीक है झूठ बोला समझ रही हूँ, अभी आप एक काम करो आप छुप जाओ और देखते हैं फिर क्या होने वाला है ना, वो आने ही वाला होगा यार, ठीक है। एंड प्लीज़ यार स्ट्रेस मत दो, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी तक तो नहीं आया यार, आ गया आ गया आ गया आ गया, यही है यही है, फोटो भी यही है क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ इसको। भाई कैमरा अच्छे से हाइड कर लेना जरा, है ना जी। क्या हाल है? हाय सिद्धार्थ, कैसे हो आप? कैसे हो आप? बढ़िया एकदम, तुम बताओ, बैठो। आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो। आज तो क्या होता है, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे हम लोग रोज ही मिलते हैं और रोज देखते हो मुझे। मैं पहली बार जब तुम्हारी पिक देखी थी ना इंस्टाग्राम पे, मैं तो तब से ही पागल हो रहा हूँ। अच्छा तब से ही नींद आ रही है ना कुछ, बस सोच रहा हूँ कब मिल लूँ। तो आज तो फाइनली तुम्हारा ड्रीम पूरा हो गया, ड्रीम कम ट्रू हो गया शायद, है ना। बताओ कैसे हो आप? बढ़िया। अच्छा कहाँ से थे तुम, मैं भूल गई। मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ। दिल्ली में तो हो, दिल्ली में कहाँ से हो? दिल्ली में विकासपुरी। विकासपुरी से? मैं तो यार बेसिकली हरियाणा से हूँ, लेकिन वैसे दिल्ली में मेरे को हो गया 8 से 9 साल। और फैमिली में कौन कौन है तुम्हारी? फैमिली में जी भाई है और मदर फादर है, बस स्मॉल फैमिली है जी, छोटी सी है। और शादी वादी का क्या सीन है आगे का? तो अभी कोई प्लान नहीं है। कोई प्लान नहीं है, तो फिर अभी जॉब कर रहे हो? हाँ अभी तो फिलहाल जॉब चल रही है। तो मतलब सेटिस्फाई हो अपने सैलरी से? हाँ जी बिल्कुल। चलो बढ़िया है फिर तो। और मतलब तुमने बताया था ना मेरे को कल रात को, बताया था शायद तुम्हारा अभी अभी हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है। हाँ वो एक्चुअली ना मेरा ब्रेकअप हो गया। क्यों हुआ था ब्रेकअप? वो बहुत ना इरिटेटिंग थी। मतलब क्यों? परेशान करती रहती थी दिन रात, कभी बोलती थी ये दिला दो, कभी बोलती थी वो दिला दो, कभी कुछ कभी कुछ। यू मीन डिमांडिंग गर्लफ्रेंड राइट? डिमांड, इतनी डिमांड थी? बहुत ज्यादा डिमांड, मतलब शॉपिंग वॉपिंग कराना ये सब। हाँ मतलब लड़की को सोचना चाहिए, मतलब यार क्या, मतलब इंडिपेंडेंट समझती थी नहीं और बिना बात के झगड़ती थी। अच्छा। और सब कुछ ज्यादा ही करती थी, बहुत ज्यादा डाउटफुल थी, बहुत ज्यादा डाउटी थी, बहुत ज्यादा मतलब। तो मतलब फिर तुम इरिटेट हो गए उससे? हाँ मैं बहुत इरिटेट हो गया उससे। और फिर कितने दिन हो गए तुम्हारे ब्रेकअप को? जी हो गया एक महीना। एक महीना पूरा हो गया? तो मतलब कितने साल का रिलेशनशिप था? जी हमारा था 2 साल का रिलेशनशिप। 2 साल का, तो मतलब यार तुम्हें बुरा नहीं लगा? चाहे वो डिमांडिंग थे, चाहे कुछ भी हो, इरिटेट थी, इरिटेट करती थी, लेकिन प्यार तो प्यार ही होता है। ऐसी थी। तो 2 साल आपने काट कैसे लिए उसके साथ? सोच रहा था ये अब ऐसी नहीं करेगी, उसे हर बार मौका देता रहता था पर वो मानती नहीं थी, वो हमेशा अपनी जिद पे अड़ी रहती थी। और मैं उससे कुछ पूछूं तो बताती भी नहीं थी, फ्रेंड्स वगैरह ये सब, है ना। मैं और मेरी आईडी का उसे हर सब कुछ चाहिए, अपना कुछ देती नहीं थी। अच्छा तो इन चीजों से परेशान हो गए? हाँ, बहुत। तो तुमने मूव ऑन कैसे कर लिया इतनी जल्दी एक महीने में? यार 2 साल का रिलेशनशिप कम नहीं होता है, बहुत लंबा होता है, इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन कर लिया तुमने? मूव ऑन तो बस ये हो गया, एक दिन उसने कुछ ज्यादा ही हद कर दी थी। जैसे जबरदस्ती मेरा फोन छीनने लगी, जब बार बार फोन करती थी, पूछती थी कहाँ हो ये वो। फिर एक दिन पापा ने नोटिस किया मुझे कि तू क्या करता है ये वो। फिर एक दिन मेरी बात फैमिली के सामने आई, फिर वो ये सब हुआ, फिर धीरे धीरे बिगड़ती चली गई मेरे उससे। अच्छा गलत है लड़की को, लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। बट यार तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें, मतलब अगर प्यार करती थी ना, शायद प्यार तो करती होगी यार। हाँ प्यार करती थी पर कभी दिखा नहीं उसका प्यार मुझे, कभी नहीं दिखा। ओके
फिर आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? आगे का तो अभी कोई प्लान नहीं है फिलहाल, तुम हो। अच्छा तुम हो, अभी तो हमारी यार एज अ फ्रेंड ही बात हो रही थी, आप ही फ्लर्ट कर रहे थे, ऐसा तो मेरी तरफ से तो आपको लगा नहीं होगा शायद, है ना अभी तक ऐसा? नहीं, पर आपके बातचीत से आपके चैटिंग वैटिंग फोटो देख के काफी अच्छा लगा मुझे। वो देखो वन साइडेड है ना, आपको अच्छा लगा मेरी प्रोफाइल देखी आपने, हर चीज अच्छी लगी, लेकिन फिर भी आप उससे तो बहुत फर्क है आप में। अच्छा 3 दिन में आपने मेरे को जज भी कर लिया, आपको कैसे पता मैं डिमांडिंग हूँ या नहीं हूँ, आपको कैसे पता कि मैं कैसा, मतलब मेरे को कैसा लाइफस्टाइल पसंद है? 3 दिन में, 3 दिन हुआ है हमारी, 3 या 4 दिन हुआ है सिर्फ बात होते हैं, कंटिन्यूसली बात हो रही है, एग्री, लेकिन इतनी जल्दी कैसे जज कर लिया? 2 साल का रिलेशनशिप भूल गए तुम? नहीं, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। ये तो है यार, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी 2 साल का रिश्ता था तुम्हारा, इतना ज़्यादा प्यार था, इतनी जल्दी मूव ऑन करना, मतलब मुश्किल होता है टास्क ना बहुत ज़्यादा। हाँ, पर उसी ने क्या, उस सब कुछ उसी ने तो करा दे रहा है। आगे का फिर? आगे का फिर तो अभी तुमसे बात चल रही है। अच्छा, और फिर सोचते आगे। कंफर्मेशन है तुम्हें, सेटिंग हो जाएगी अपनी? हाँ, बाकी तुम हो ही साथ में। अच्छा, हाथ भी पकड़ना शुरू कर दिया फर्स्ट मीटिंग में? सही है यार, अभी हाथ तो मत पकड़ो, वैसे हाथ तो मत पकड़ो अभी, अभी तो मैं कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ हाथ पकड़ने में। तो हो जाओगे उसमें क्या, अभी तो शुरुआत हुई है ना, पहली मीटिंग है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे यहाँ पे एक्स आ जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? हो जाएगी यहाँ, मतलब तो तुम क्या बोलोगे उसे अगर आ जाती है तो, वो एक्स आ गई तो? वो क्यों आएगी यहाँ? मान लो अगर आ जाती है तुम्हारी एक्स यहाँ पे तो तुम क्या बोलोगे? मतलब पता ही नहीं मैं यहाँ हूँ। अच्छा उसे नहीं पता और आ गई तो? पता है। तुम तू यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या करोगे मैं ये बात पूछूँ तो? मैं तो, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यही बात तुमसे पूछूँ तो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भी इसके साथ? ये मेरी दोस्त है। दोस्त? और मैं कौन हूँ? आर यू सीरियस? अभी तो तुम यहाँ पे मतलब बातें कर रहे थे कि जो, मतलब 2 साल से मैं पागल हूँ तुम्हारे साथ रिलेशन, आओ यहाँ पे आके बात करते हैं। मैं तो जानते ही नहीं तुझे, मैं नहीं जानता इसे वैसे, ठीक है? अभी तुम बोल रहे हो कि, उसको बोल रहे हो कि ये मेरी दोस्त है, अगर तुम जानते नहीं होगे तो ये कैसे बोलोगे? मैं नहीं जानता इसे। नर्वस हो गई क्या, क्या बोलना है? नर्वस हो गई क्या? उस हद तक बोलना चाहिए ना जिस हद तक सामने वाला सुन सके। अरे तुम इसके चक्करों में मत आओ। एक सेकंड, हाथ क्यों पकड़ रहे हो? संजना नाम है ना आपका, इधर आओ। कितने साल से रिलेशनशिप में हो? 2 साल से। 2 साल से। आप बताओ, तुम तो यहाँ पे बोल रहे थे जो हो तुम हो, अब तो कैसे, क्या चल रहा है? अरे इसके ड्रामा, मैं तो सोच रही थी यार तुम्हारे, मैं तो सोच रही थी तुम्हारे साथ फ्यूचर प्लान कर दी, तुम तो बोल रहे हो 1 महीना हो गया ब्रेकअप को। 1 महीना ब्रेकअप को? और क्या हो नहीं गया? तुम शादी की बात कर रहे हो और तुम इससे बोल रहे हो कि ब्रेकअप हो गया? अरे तुम इसकी बात तो बताओ, और कितनी चल रही है बता तो दे यार, और कितनी चल रही है ऐसे? कहीं नहीं चल रही। और अच्छा, और कहीं नहीं चल रही? फितरत तुम लोगों की ना कभी नहीं बदलती है ना, धोखा देने वाली बिल्कुल भी। यही सब करना था तो पहले बोल देते, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर मेरे लोग कोई भी पसंद आए तुम बस एक बार बोल देना। तेरी खुशी क्यों है ये? क्यों, वो तो करेगी ना यार, 2 साल से, 2 साल का रिलेशनशिप कोई कम नहीं होता ना। बोले कि मैं डिमांडिंग हूं, इरिटेट करती हूं, सारी सुन रही थी वो। तुमने क्या मांग लिया इससे आज तक? क्या मांग लिया तुमने आज तक? सिर्फ टाइम। और अभी भी चोर में बैठे हो? क्या मांग लिया उसने तेरे से आज तक? अरे इसके बोल रहा, तुमने झूठ क्यों बोला मेरे को उसके लिए कि वो शॉपिंग करा दो? तुम्हारे ये सब ड्रामे क्या है? तुम अच्छा कर रहे हो कुछ? यार बैठ मत ना यार, खड़े होके बात करना, क्या चाहता है बता तो दे। अरे तुम हक्का बक्का हो गया क्या दोनों बंदियां साथ में देख के? तुम इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? अभी तुम बोल रहे थे कि ये मेरी दोस्त है, मेरे को अभी तुम दोस्त बोल रहे थे, अभी तुम थोड़ी देर, नहीं मेरे 1 महीना पहले सब कुछ खत्म हो गया था। 1 महीना पहले खत्म हो गया? चैट है तुम्हारे पास? हम तो आज मिलने वाले थे ना, ये देखो आज हमने पूरी प्लानिंग करी हुई थी, व्हाट्सएप देखो पूरा प्लान कर रखा था हमने आज मिलने का। ये सारी चैट तुम्हारी पड़ी है, आज की भी चैट है, तुमने उसको रात को बोला हम मिलेंगे और फिर मैंने तुम्हें कॉल किया, तुमने किया। अच्छा मुझसे मिलने आना था ना शायद इसीलिए, है ना, मुझसे मिलने आना था। मेरा कोई कनेक्शन नहीं है तो? इससे कोई कनेक्शन नहीं है तो? 2 साल से ऐसे तैसे करा रहा था उसके साथ। मिलने क्यों वाले थे? तुमने क्या कहा? मुझे बैंक का काम है, पापा के साथ जाना है। 2 साल से तुम ये सब कर रहे हो? मैंने बोला था ना। शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी लड़कियों का दिल दुखाते हुए? शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी? बोल कुछ, शर्म नहीं आती? क्या बोलूं यार, घर पे शादी वादी की बातें करवा दी तूने, लड़की की पूरे पूरी पूरे परिवार में कितनी बेइज्जती होगी तेरे को अंदाजा है इस चीज का? अरे नहीं निभा सकता था बोल देता ना। और जब लड़की ने तेरे को खुद ही बोल दिया कल को तुझे कोई और पसंद आ जाए तो मुझे क्लियरली मुंह पे बोल दियो, लेकिन चीट मत करियो। थोड़ी शर्म आ रही है या नहीं? ये जो तुम कर रहे थे थोड़ी शर्म आ रही है या नहीं? मतलब कुछ नहीं सोचना है ना अपना ना सामने वाले का, जो मर्जी है वो करो। अभी एक साइड में है वो चल रही है 2 साल से साथ में, ठीक है चल रही है, अभी नहीं दिखेगी तो नहीं पकड़ लेंगे, समझ क्या रखा है यार?
इतने तुम सलमान का नहीं हो कि तुम्हारे पीछे लड़कियां भाग जाएगी या फिर तुम्हें लगता हो कि हाँ मैं तुमसे मिलने आ गई तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। सिर्फ एक रीज़न से आई हूँ तुमसे मिलने, उसकी हेल्प करना चाहती थी सिर्फ, समझा? वरना तुझ में ऐसा कुछ है नहीं जो मैं तुझसे मिलने आऊँगी स्पेशली। अगर बात शक्ल की होती ना तो तुमसे हजारों गुना अच्छे मिल जाएंगे। बात दिल की है ना, यहाँ पे प्यार किया उसने तुझसे और तू देख ले उसको धोखा दे रहा है। दिल अटक जाता है ना वहाँ से, फिर हिलता नहीं है। ये मत समझना कि तुम बहुत अच्छे दिखते हो। वर्ड्स है कोई तेरे पास? बोल ना, जवाब दे तेरी बंदी को। क्या कर रहे थे तुम यहाँ? जवाब दे दे। ये लो तुम इसकी सारी चैट्स। ये सारी चैट्स है इसकी, 3 दिन से लगातार मुझसे बात कर रहा है। तेरे साथ सीधी बात है, तू जा यहां से। फिर किसके साथ रहना है तेरे को? मुझे तुम्हारे साथ रहना। अब मैं तो तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहूं। उससे भी यही बोलोगे कि मुझे तेरे साथ रहना है। कल को मुझसे बेटर तेरे को मिल गई तो तू मेरे को भी छोड़ देगा? मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। रहन दे बस तू। तुम लोगों की ना फितरत ना कभी नहीं बदलती। वो सब जानती है, वो सब उसका काम है रिलेशनशिप बिगाड़ना। तू उसकी बातों में क्यों आ रही है? अगर मेरा काम है रिलेशनशिप बिगाड़ना तो मैंने हमारा आज तक क्यों नहीं बिगाड़ा? मेरे को तुम जैसे लड़के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बातों में आ रही है। तू क्यों झूठ बोल रहा है उससे? तू क्यों मुझे झूठ बोल रहा है? मेरे को तो तेरे को क्या लगता है तेरे को देख के मेरे को अट्रैक्शन हो गया? हाँ प्यार हो गया मुझे तुझसे 3 दिन में, और तुझसे मिलने आ गई। प्यार था इसलिए मिलने थोड़ा आई थी, कैमरा लगा रखा इसलिए मिलने आई थी। एक्सपोज चल रहा तू, लाइव लॉयल्टी टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? हेल्प ली थी उसने मुझसे। और अगर तू और तेरे में इतना दिमाग होता ना, सुन कहा जा रहा है, तेरे में इतना दिमाग होता ना, होने वाला है। तेरे में दिमाग होता ना, इंस्टा पे ना बायो में जाके ना लिंक पे जाके एक बार प्रोफाइल भी चेक कर लेता कौन हूँ मैं। यूट्यूब चैनल है मेरा और यूट्यूब पर कहा जा रहा है? ऐसे नहीं कहा जा रहा है, होता है जो तुम जा कर रहा है ना उससे कुछ नहीं होगा। मिल गया तुझे, वीडियो बनवा के कर लिया एक्सपोज, खुश है अब तू? जितना दिमाग फ्लर्टिंग और लड़कियों को धोखा देने में लगाता ना उतना जाके प्रोफाइल भी चेक कर लेता मेरे भाई। अगर मैं खुश होती ना तो मैं ये सब। भैया जी समझे? हाँ ठीक है चल। सुन मेरी बात ध्यान से, आज के बाद इस लड़की को ना फोन या मैसेज कर दिया ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। और शक्ल क्या छुपा रहा है? शक्ल तो सीधी कर ले। तू क्या लेना दे रहा? जा, हो गया तेरा काम। शक्ल क्या छुपा रहा है? तेरा काम अब शक्ल दिखाना। कमर क्यों दिखा रहा है अपनी? वहां पे कैमरा लगाया ना, सबको दिखाना दिखा रहा है कि तू जैसे लड़के तेरे जैसे लड़कों के जैसे पूरा लड़का जात खराब है। और नॉर्मल लड़के भरोसा नहीं कर सकते आज के टाइम में किसी पे। मैं जिसको भी सही समझो ना वो 1-2 साल निकलने के बाद अपना असली रंग दिखाई देता है। तूने भी तो दिखाई दिया, अब तो खुश है। दिखाया तूने है। मैंने अगर दिखाया होता ना तो मैं आज तक तुम्हारे साथ नहीं होती, 2 साल पहले ही न जाने क्या कर चुकी होती। कुछ नहीं है तेरे पास, कोई वर्ड्स नहीं है बोलने को। आज के बाद इसको फोन कर दिया ना, और सुन तू गलत होके गया आज, तू गलत होके गया। जिंदगी में इसको फोन मत कर दियो, और तुझे थोड़े दिन में खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि क्या खोया तूने। एक ऐसी लड़की खोई है, लुक्स देख यार, इतनी गुड लुकिंग लड़की और इतना लॉयल थी तेरे। सबसे मेन चीज लुक्स को तो भाड़े में जाए, प्यार करती थी तुझसे, दिल दुखाया तूने उसका। और ये तेरे को माफ कर भी देना जिंदगी में तो ऊपर वाला तो तेरे को कभी माफ नहीं करेगा। अब ढूंढ ले जा दुनिया में जाके अगर प्यार मिलता है तो, धोखे पे धोखे पड़े आ जा, हर जगह धोखा ही नसीब होगा तुझे। जा ढूंढ लो बाहर, निकल जा, पाक के बार भी होगा कोई। बैठो, परेशान मत हो, ठीक है? कुछ लोग ना डिजर्विंग नहीं होते, शुरू में अच्छा रहते हैं, देखो मैं समझ रही हूँ 6 महीने 1 साल, लेकिन उसके बाद ना मतलब जिस बंदे की फितरत जैसी है ना वो कभी नहीं बदलती है। कुछ टाइम बाद कहीं और अट्रैक्शन हो जाता है, तो इस चीज़ को ना अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, तो करो या मरो, है ना? तो कुछ कर जाओ सामने वाले के मुँह पे, अपनी सक्सेस से तमाच मारो, ठीक है? डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना कि हाँ मेरे को इसने चीट कर दिया, धोखा दे दिया, यार मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। मैं यार इन चीज़ों को छोड़ के ना अगर अपने फ्यूचर पे ध्यान दोगे ना, सीरियसली यार हर जगह सक्सेस है यार, हर जगह। फैमिली को प्रायोरिटी पे रखो हमेशा, परेशान मत हो, समझ रहे हो? इसका नंबर ब्लॉक कर देना, और मैं भी तुम्हारे आगे ब्लॉक कर रही हूँ। और इस बंदे में इतना दिमाग नहीं था कि ये मेरी प्रोफाइल चेक कर लेता एक बार। देखो यार उसके पीछे पागल हो गए, मैंने ब्लॉक कर दिया यहाँ से, ठीक है? और तुम भी ब्लॉक कर दो, ठीक है? और अपलोड कर दो वीडियो पक्का करो, और लोगों को पता चले जैसे मैं पागल बनी, एटलीस्ट और कोई ना हो। चलो किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैं कर दूंगी वीडियो अपलोड कि आज ही तुमसे मिलने आया था, कल किसी और को झूठ बोल के किसी और से मिलने जाए, बेटर है ना कि एटलीस्ट बाकी लड़कियां अवेयर हो जाए पहले से। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मतलब लड़की का दिल टूटा है बहुत ज़्यादा। और कमेंट्स में बताना कि हमने सही किया या गलत, क्योंकि यार मतलब ट्रस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट जो आप लोग कर लेते हो ना वो चीज़ बहुत ही गलत है। यहाँ पे इनकी थोड़ी सी गलती है,
है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि गलती हम लोग सुधार नहीं सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपना फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में ही है। तो वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना और एक शेयर ज़रूर करना आगे, ताकि हर हर लड़के तक ये वीडियो पहुँचे और हर लड़की तक पहुँचे, ताकि लड़की अवेयर हो जाए ऐसे झूठे लड़कों से। ठीक है, तो लव यू ऑल, अच्छे से वीडियो आती रहेगी, कीप सपोर्टिंग ऑलवेज।